जी और आशीष की टीम में क्या कॉम्बिनेशंस थे, फिर उसके बाद टॉप रेट्स पिक करेंगे उसमें से। आइए देखते हैं टीम्स। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। ट्रेडिंग लेने से पहले, करने से पहले, सोचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। HALCCS का अप्रूवल आया भाई, $3 बिलियन का। इसीलिए NMDC का अगस्त अपडेट कमजोर। मैट्रिमनी परसों बोर्ड मीट करके बायबैक पे विचार करना चाहती है। मेडिएसिस में आज लास्ट डेट में प्रमोटर अच्छा खासा चंक बेचने की तैयारी कर रहा है। वेदांता ₹20 का डिविडेंड, अदानी ग्रीन ने टोटल एनर्जी के साथ करार किया। मुथूत फाइनेंस की आम को सेबी से IPO की मंजूरी। लेमन ट्री गिर गुजरात में नया होटल लगाना चाहता है। तो TCNS क्लोदिंग में लास्ट ट्रेड में BNP पारिवा फंड ने तगड़ा चंक खरीदा है, बड़ौदा BNP। और सद्भाव इंजीनियरिंग में लेकिन HDFC MF ने कल अच्छा खासा माल छोड़ दिया, इसीलिए लाल कर दिया। ओके, इंडोस्टार कैपिटल में 300 करोड़ रुपए के NCD इशू हो रहे हैं और इसमें 10.3 से 10.7 तक के इंटरेस्ट में होगा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का QIP खुला है आज से। कनोरिया केमिकल ने अपना बिजनेस अपडेट दिया अंकलेश्वर यूनिट का। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 करोड़ का राइट्स इशू आ रहा है। हिंदुस्तान कंपोजिट ने स्विग्गी में शेयर खरीदे करीब 1.5 लाख। वेलस्पन कॉप ने US की यूनिट में $10 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है। रैलिस में HSBC के रिड्यूस कॉल। केन्स में मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की कॉल, लेकिन टारगेट 3800 के आसपास का है। और जोमेटो में CLSA ने रखा है कि क्विक कॉमर्स का सबसे बढ़िया स्टॉक ये इस समय होगा। और HUL में अंडर परफॉर्मर है और 2100-2150 का लक्ष्य दिया CLSA ने। ओके, तो आपने टीम्स को देखा है यहाँ पे, नीरज और आशीष की टीम को। करीब 52 अंक ऊपर 25,331 पर निफ्टी खुलने की तैयारी करता है। बट स्टिल याद रखिएगा, इट्स प्री ओपन, अभी फ्रीज नहीं हुआ है ये। राजेश सतपुते जी, आपकी टीम्स में से, मतलब इन दोनों टीम्स में से आप क्या पिक करेंगे? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन। वीरेन, प्री ओपन प्राइजेस फिलहाल स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो मैं कल के एंड ऑफ डे डेटा के हिसाब से बताऊंगा। देखिए आशीष जी की अगर टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया चार्ट है, दैट इज matrimony.com का, एक आप कह सकते हैं ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, चार्ट लेवल ऑफ 745 से बाय, 735 का स्टॉप लॉस रखे। इसका जो प्रोजेक्शन है, जो टारगेट दिखता है, दैट इज 780-785। नीरज जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया चार्ट है, दैट इज ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का। कल इसमें एक प्राइज एंड वॉल्यूम एक्शन देखा गया, 50 DMA के ऊपर पार हो चुका है वॉल्यूम के साथ। मुझे लगता है फॉलो थ्रू मिलेगा, 1300-1310 का टारगेट होगा। कल का जो क्लोज है वो 1240 के आसपास है, 1230 का स्टॉप लॉस।